नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भिलवाड़ा लोकवाणी में। भिलवाड़ा जिले के कोठड़ी क्षेत्र में नाबालिग के साथ हुए भट्टी कांड आप सभी को अभी तक याद होंगे। इसे लेकर अब एक बड़ी अपडेट सामने आई है। पुलिस ने शनिवार को आरोपियों के खिलाफ चालान पेश कर दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने हत्याकांड के 9 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची थी, तो उस आरोपियों को देखने के लिए कोर्ट परिसर में भीड़ जमा हो गई। इस मामले को लेकर कोठड़ी सीओ श्याम सुंदर विश्नोई ने बताया कि थाना क्षेत्र के नए गांव में 3 अगस्त को अपने 15 साल की नाबालिग बच्ची खेत में अपने मवेशियों को चराने के लिए पहुंची थी। नाबालिग के खेत के पास की जमीन किराए को लेकर कुछ लोग कोयला निकालने का काम करते हैं। इन्हीं में से 2 युवकों ने उस नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। इस घटना का नाबालिग के परिजनों को पता चलने के डर से आरोपियों की पत्नी व परिवार के अन्य लोगों ने मिलकर नाबालिग को कोयले की जलती भट्टी में फेंक दिया था। अब इस मामले को लेकर कार्रवाई शुरू हुई थी। अब शनिवार को 9 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है और पुलिस द्वारा चालान भी जमा करा दिया गया है। इस मामले में 2 नाबालिग को भी डिटेन किया गया था। आपको बता दें कि घटनाक्रम को लेकर पिछले 30 दिनों से लगातार कार्रवाई चल रही थी और 470 पेज से भी ज़्यादा की चार्जशीट तैयार की गई है और करीब 50 गवाहों को भी इस मामले में तलब किया गया है। इसे लेकर देखिए भिलवाड़ा लोकवाणी की ये रिपोर्ट। दिनांक 3 अगस्त 2023 को थाना कोटड़ी पर इस आशय का प्रकरण दर्ज हुआ कि एक नाबालिग लड़की को गैंग रेप कर उसके बाद में उसको भट्टी में डाल करके जलाकर उसकी हत्या कर दी गई। इस पर प्रकरण में अनुसंधान शुरू किया गया। दौरान अनुसंधान कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार एवं निरुद्ध किया गया, जिनमें से 9 बालिग आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट आज माननीय न्यायालय पोक्सो कोर्ट 2 में पेश की गई है। मुकदमा 306/3, 302, 201, 103 तथा 5G/6 पोक्सो एक्ट की धाराओं के अंतर्गत दर्ज किया गया था। गैंगरेप की धाराएं होने के कारण अनुसंधान मेरे द्वारा किया गया। कुल 473 पेज का चालान है, वो माननीय न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियुक्तों की जैसी रिमांड की अवधि आगे बढ़ाते हुए दिनांक 8 सितंबर 2023 को पत्रावली चार्ज बेस हेतु तलब की। प्रकरण के अनुसंधान के दौरान फिजिकल साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, FSL से रिपोर्ट्स प्राप्त की गई है। उन FSL रिपोर्ट्स को चार्जशीट में शामिल किया गया है और चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया। स्टे अपडेटेड ऑलवेज विद भिलवाड़ा लोकवाणी न्यूज ऐप। हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज़ वीडियोस किसी भी टाइम।